नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। आरजेडी अपना आज 27वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सर्वप्रथम झंडा तोलन करेंगे, उसके बाद प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापना दिवस पर खुशियां मनाई जाएगी। गोरखपुर मानकपुरा अयोध्या रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन हुआ सफल। 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार के बक्सर में आकाशीय बिजली वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 5 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हर साल बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली से सैकड़ों लोगों की जान जाती है, लेकिन सरकार इसको लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। शराब के नशे में दिल्ली के जाफरपुर कला थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे के दौरान झगड़ा हुआ, जिसमें 3 आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान मंजीत के रूप में हुई है। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए सुनील जाखर पंजाब बीजेपी के प्रधान बनाए गए हैं। इस मौके पर जाखर ने कहा कि वह पार्टी को साथ लेकर हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि जाखर को राजनीति में 20 सालों का अनुभव है। जाखर या उनके परिवार का नाम आज तक किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं आया है। हालांकि उनके सामने बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ कई तरह की चुनौतियाँ भी आ सकती है। हरियाणा के जिंद में 11 जुलाई को इनेलो के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसका नेतृत्व ओपी चौटाला करेंगे। केदारनाथ मंदिर के अंदर अब मोबाइल ले जाने पर लगेगा प्रतिबंध, मंदिर समिति ने पुलिस को लिखा पत्र। झारखंड की राजधानी रांची जिले के भूमि घोटाला मामले में ईडी ने आरोपी राजेश राय और भरत प्रसाद को विशेष अदालत में पेश किया, जहां ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों का रिमांड मांगी है। वहीं इस मामले पर कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का इंतजार मैं कब से कर रहा हूं। और जैसे ही आपका लाइक और कमेंट आता है हम खुशी से झूम उठते हैं। ऐसे में आपका एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में दिखाते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलें और लास्ट तक न्यूज़ देखना ना भूलें। आज महाराष्ट्र में चाचा भतीजे का होगा शक्ति प्रदर्शन। एक ओर जहां शरद पवार ने अपने सभी पार्टी पदाधिकारियों को उपस्थित होने को कहा है, वहीं ठीक उसी वक्त जिस वक्त शरद पवार ने बैठक बुलाई है, अजीत पवार ने भी अपने सभी समर्थक विधायकों को नए कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा है। ऐसे में आज स्पष्ट हो जाएगा कि किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है। केंद्रीय गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आ सकते हैं, जहां माना जा रहा है कि वे दिन भर पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और बाद शाम में वापस चले जाएंगे। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लॉन्च करेंगे सुगर एथेनॉल पोर्टल, जहां खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। मणिपुर में तनाव के बीच आज से खुलेंगे 1 से 8 तक के स्कूल, सीएम एन बीरेन सिंह ने किया ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोगा कोटकपुरा रोड स्थित चंदपुराना में लगे पीडी अग्रवाल टोल प्लाजा को बंद करवाने के लिए पहुंचेंगे, जहां विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद ने बताया कि यह टोल प्लाजा 21 जुलाई 2023 को बंद होना था, लेकिन अब 5 जुलाई को ही बंद होगा, क्योंकि कंपनी के पैसे पूरे हो चुके हैं। आज राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जहां बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा विशाल धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आएंगे, जहां वे 5 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले मॉडल पुलिस थाना शाहपुर के भवन का शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जहां ग्वालियर की MP MLA कोर्ट ने राजा पटेरिया के आवेदन को खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। राजा पटेरिया पर PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि 2.5 साल पहले उन्हें महाआघाड़ी सरकार को गिराने का बड़ा ऑफर दिया गया था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गुजरात के उभरते तैराक आर्यन नेहरा ने एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जहां एशियाई खेलों की तैयारी में लगे तैराक आर्यन नेहरा हैदराबाद में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। आर्यन राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय नेहरा के बेटे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा विवाद को लेकर उदयपुर में होगी हाई लेवल मीटिंग, जहां दोनों राज्यों के राज्यपाल और 15 जिलों के कलेक्टर एसपी रहेंगे मौजूद। सुल्तानपुर के कुरवार थाना क्षेत्र के कटावा गांव में लड़कियों से छेड़खानी का मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों ने दो युवक को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया, लेकिन एक युवक मौका देखकर फरार हो गया, वहीं दूसरे युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महुआ के पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 21,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत रिजर्व पुलिस लाइन में वन विभाग और पुलिस कर्मियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए नेता का वीडियो हुआ वायरल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई नाराजगी, कहा मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है, मैंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस पर NSA भी लगाया जाए। वहीं इस मामले को कांग्रेस ने तुल दे दिया है और पेशाब करने वाले को BJP का नेता बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 6 जुलाई से 5 दिनों के हमीरपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नादौन में 6.54 करोड़ रुपए की लागत से जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह और 17.22 करोड़ रुपए के बहुउद्देशीय हॉल का शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि 5 अगस्त 2019 को जो अधिकार हमसे छीने गए वह भाजपा के सत्तासीन रहते हुए वापस मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव से संबंधित मुद्दों पर याचिकाकर्ताओं को याद दिलाया कि अदालत कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कृपया रिट आवेदन पर बहस करें, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।